जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 21, 22, 23, 24, 25 पर चर्चा करेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठ तद एवेतारो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोक सतत अनुवर्तते। अर्थात जो कुछ भी श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वह जिस भी मापदंड को स्थापित करता है लोग उसी का अनुसरण करते हैं। अर्थात समाज के नेता, गुरु या किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ माने जाने वाले व्यक्ति जो आचरण करते हैं लोग उसी का पालन करते हैं। वह आदमी या श्रेष्ठ पुरुष अपने कार्यों का जो उदाहरण प्रस्तुत करता है वही समाज के लिए आदर्श बन जाता है। इसलिए जिम्मेदार व्यक्ति को अपने कार्यों को और आचरण में सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसकी क्रियाएँ या कर्म दूसरों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। नैमे पार्श्वी कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नान्वा आप्तम अवात्तव्यम वर्ता एव चैन कर्माणि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने कर्तव्यों के बारे में अर्जुन को बताते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, मुझे कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं और न ही मुझे कुछ पाना है, फिर भी मैं अपने कर्म में लीन रहता हूँ। इस श्लोक में का मुख्य संदेश यह है कि जब भगवान जी ने कुछ भी पाना या सिद्ध करना बाकी नहीं, वे भी कर्म करते हैं। अर्थात वे सृष्टि की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्म करते हैं। तो मनुष्य को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कर्म से कभी भी विमुख नहीं हुआ जा सकता, भले ही व्यक्ति किसी भी स्थिति में क्यों न हो। यदि है अयम न वर्तयम जातु कर्मण्य अतेन्द्रिय मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः। यदि मैं कभी भी कर्म में तत्पर नहीं रहता तो हे अर्जुन, सभी मनुष्य मेरे मार्ग पर चलने लगेंगे। अर्थात यदि श्री कृष्ण स्वयं कर्म न करें तो अन्य लोग भी कर्म करना बंद कर देंगे, क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा और सभी के प्रेरक हैं। उनके कार्यों का सभी जीवों पर प्रभाव पड़ेगा, अर्थात सभी जीव अपना कार्य बंद कर देंगे। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं यदि वे अर्जुन की स्थिति में होते तो वे भी कर्म को नहीं त्यागते, क्योंकि उनका उद्देश्य तो दूसरों को सही मार्ग दिखाना है। वे हमेशा शास्त्रों के अनुसार आचरण करते और उन्हें कभी न छोड़ते ताकि संसार में संतुलन बना रहे। उत्सी देव रूपो लोका न कुर्याम कर्म चेदम संकर्ष्य च कर्ता स्वयं उपानयम इमा प्रजा। यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे, मैं विनाशकारी अव्यवस्था का कारण बन जाऊंगा और इस प्रकार समस्त प्रजा को नष्ट कर दूंगा। अर्थात संपूर्ण सृष्टि में अव्यवस्था फैल जाएगी और सभी जीवों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और पूरे संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस श्लोक की सीख यही है, हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, विशेष रूप से जो लोग समाज के नेतृत्व में होते हैं जिनके कार्यों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। सकता है कर्मण्य विद्वासो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वामस्य तथा सत्ताश्य चिंति शोकलोका संग्रह। हे अर्जुन, जैसे अज्ञानी लोग फल की इच्छा लेकर कर्म करते हैं वैसे ही ज्ञानी पुरुष फल की इच्छा के बिना लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने के दो अलग अलग दृष्टिकोण समझाए हैं। एक, अज्ञानी लोग कर्म करते हैं लेकिन फल की इच्छा के साथ, अर्थात उनके कर्म निजी लाभ या स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। दूसरी ओर ज्ञानी जो कि बिना किसी इच्छा के कर्म करते हैं, उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं होता बल्कि वे समाज के कल्याण के लिए कर्म करते हैं। इस लोक की सीख यह है, कर्म करना जीवन का अनिवार्य हिस्सा है लेकिन कर्म फल की इच्छा के बिना करना चाहिए। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।